चीन को मुंहतोड़ जवाब देने को तैयार भारत। एलएसी पर 35,000 और जवान होंगे तैनात। दोस्तों, चीन की करतूत के लिए उसे सबक सिखाना बेहद जरूरी है, इसलिए भारत ने चीन को उसकी हद बताने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। चीन कोई गुस्ताखी करे उससे पहले ही भारत लगातार सरहद पर अपनी मुस्तैदी बढ़ा रहा है, जिससे चीन अपनी किसी भी नापाक इरादे में कामयाब ना हो पाए। भारत ने लद्दाख में और ज्यादा सैनिक तैनात करने की तैयारी कर ली है। लद्दाख में पहले से ही भारतीय सेना की सबसे बड़ी सैनिक टुकड़ी तैनात हो चुकी है, जो चीन के मुंह पर जोरदार तमाचा है। चीन की सैन्य तैनाती के बाद भारत ने भी सैनिक बढ़ाए और एलएसी पर चीन के हर कदम का मुंहतोड़ जवाब दिया है। लेकिन जब बातचीत के बाद भी चीन पीछे हटने में आनाकानी कर रहा है, तो ऐसे में भारत उसको करारा जवाब देने की तैयारी में है। इसके लिए भारत अब एलएसी पर 35,000 और जवानों की तैनाती करेगा। ब्लूमबर्ग ने अपनी एक रिपोर्ट में वरिष्ठ भारतीय अधिकारियों के हवाले से ये जानकारी दी है। भारत के इस कदम से 3,488 किलोमीटर लंबी एलएसी पर हालात बदल जाएंगे। इतनी बड़ी संख्या में जवानों की तैनाती से इस इलाके में भारत की ताकत में इजाफा होगा। क्या भारत किसी बड़ी कार्रवाई के लिए तैयार है? दोस्तों, आप लोगों के लिए जानना बेहद जरूरी है कि भारत के 35,000 सैनिकों से निपटना चीन के लिए आसान नहीं होगा। एलएसी पर पहले से मौजूद सैनिकों की संख्या को भी इसमें जोड़ दिया जाए तो करीब 70,000 के भारतीय सैनिक सरहद पर तैनात हैं। चीन को इतने सैनिकों से निपटने के लिए करीब 7,00,000 सैनिकों की जरूरत होगी। ये हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, 15 जून को गलवान घाटी में जो हुआ इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है। उस दिन चीन के करीब 500 सैनिकों का भारत के मुट्ठी भर जवानों से सामना हुआ था, जिसमें भारत के 21 और चीन के 43 जवान मारे गए थे। भारतीय जवानों ने कई चीनी सैनिकों की गर्दन तक तोड़ दी थी। चीनी सैनिक उस दिन जान बचाने के लिए पहाड़ों में छिपे रहे। इससे आप भारत के सैनिकों की ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। गलवान घाटी में हुई खूनी झड़प के बाद भारत ने भी सीमा पर अतिरिक्त सैनिकों, तोप और टैंक्स की तैनाती की है। इनमें अटैक हेलीकॉप्टर अपाचे के अलावा सुखोई और मिराज 2000 जैसे लड़ाकू विमान भी हैं। सोचिए जरा, इन सब का कॉकटेल चीन के लिए कितना घातक साबित हो सकता है। राफेल के आने के बाद सेना के हौसले बुलंद। दोस्तों, राफेल फाइटर प्लेन के आने के बाद तो भारत के हौसले आसमान छू रहे हैं। भारत अब किसी भी कीमत पर चीन को सबक सिखाना चाहता है। चीन के साथ कमांडर स्तर की कई बैठकें भी हो चुकी हैं, लेकिन इन बैठकों के बाद भी चीन पीछे हटने को तैयार नहीं है। कई जगहों पर तो उसने पीछे हटने की बात कही, मगर वो हटा नहीं। इसको लेकर भारत का धैर्य अब जवाब देने लगा है। एलएसी पर सैनिकों की संख्या बढ़ाकर भारत चीन को बताना चाहता है कि वो अपनी 1 इंच जमीन भी नहीं छोड़ेगा। वही राफेल के आने के बाद से तो भारत की ताकत दोगुनी बढ़ चुकी है, और शायद इसी वजह से भारत अब चीन की छाती पर चढ़कर जवाब देने की तैयारी कर रहा है। भारत अब तक पाकिस्तान से लगी सीमा पर ही सैन्य तैनाती पर खास ध्यान देता रहा है, क्योंकि सीमा पार से आतंकी घुसपैठ और जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की नापाक साजिशें चलती रहती हैं। अब भारत एलएसी पर भी सैन्य तैनाती बढ़ा रहा है और पूर्वी लद्दाख से लेकर पूर्वोत्तर के राज्यों में सीमा पर चीन की हर हरकत पर करीबी नजर रख रहा है। भारत अपनी सेना पर सबसे ज्यादा खर्च करने वाला तीसरा देश है, और भारतीय सेना भी दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से है। पाकिस्तान में गूगल सर्च में राफेल ने किया ट्रेंड। वायुसेना को नई ताकत देने वाले लड़ाकू विमान राफेल ने भारतीय सरजमीन पर लैंड किया तो अम्बाला से इस्लामाबाद तक इसकी गूंज सुनाई देने लगी। पाकिस्तान में राफेल के बारे में जानने के लिए ऐसी होड़ मची कि गूगल सर्च में ये ट्रेंड करने लगा। पाकिस्तान में कोई राफेल की कीमत जानने के लिए तो कोई दुनिया का सबसे अच्छा फाइटर जेट सर्च करने में जुटा था, तो कुछ पाकिस्तानी अम्बाला खोज रहे थे। वैसे तो राफेल आने की आहट से चीन भी सहमा हुआ था, और शायद इसी वजह से उसने अपने युद्धपोत पर विमानों की क्षमता बढ़ाने को कहा था। दरअसल राफेल है ही इतना ताकतवर कि उसके आने की खबर भर से दोनों देशों में खलबली मच गई। अब जरा ये सोचिए कि अगर भारत का ये ब्रह्मास्त्र युद्ध के मैदान में आ गया तब क्या होगा। राफेल के आने से भारतीय सेना के भी हौसले बुलंद हैं। जिस तरह के हालात एलएसी पर बने हुए हैं और जिस तरह से भारत वहां पर सेना का जमावड़ा बढ़ा रहा है, उसे देखकर लगता है कि जल्द ही राफेल विमान को काम पर लगना पड़ेगा।